हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरर 404 डिजिटल हैकिंग इन इंडिया पार्ट 2 चेस के बारे में। तो इसी से रिलेटेड हमारी पार्ट 1 वीडियो थी जिसका नाम था एरर 404 डिजिटल हैकिंग पार्ट 1। उस पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किए थे कितने टाइप्स के जो है अटैक्स पॉसिबल हैं, यानी टाइप्स ऑफ अटैक उसके अंदर हमने बेसिकली एक तरीके से डिस्कस किए थे। और पार्ट 2 चेस के अंदर जो है हम उन अटैक्स की हेल्प से कौन कौन से अटैक हुए आज तक हमारी हिस्ट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि मेजर अटैक्स थे, उनके बारे में जो है हम इस सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है कुछ यहाँ पे टाइप्स है जो कि मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा एरर 404 डिजिटल हैकिंग इन इंडिया, जिसके अंदर जो है जितने भी टाइप्स के साइबर अटैक्स मेजरली हुए हैं और जिन्होंने जो है ऑर्गेनाइजेशन को, स्टेट को, कंट्री को जो है बहुत ही ज़्यादा हार्म किया है, उन अटैक्स के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा पावर ग्रिड। अब पावर ग्रिड के अंदर जो है तीन टाइप के अटैक हैं। थ्राइल पावर ग्रिड इन 2014, हाइड्रो पावर प्लांट इन अपस्टेट न्यूयॉर्क, और थर्ड इसके अंदर आता है हमारा फ्रांस न्यूक्लियर पावर प्लांट अटैक। तो ये जो तीन अटैक हैं ये पावर प्लांट्स के ऊपर हुए थे, यानी कि जो एक पावर प्लांट होता है, अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं वो क्या करता है, पावर सप्लाई करता है ऑर्गेनाइजेशंस को, स्टेट को, सिटी को और कंट्री को। तो इन पावर प्लांट्स पे जो है ये अटैक हुए थे। सबसे पहला आता है इसके अंदर हमारा इसराइल पावर ग्रिड। अब इसराइल पावर ग्रिड के अंदर क्या हुआ था, एक सबसे बड़ा अटैक हुआ था जिसने पूरे स्टेट की जो है पावर सप्लाई को बंद कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, और इसीलिए जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने इसे वर्स्ट साइबर अटैक्स एवर के नाम से भी जो है रीनेम किया था कि सबसे बुरा ये जो है साइबर अटैक एवर था। इसने क्या किया, पूरे सिटी की जो है पावर सप्लाई को बिल्कुल बंद कर दिया था। और 2014 के अंदर जो है इसी तरीके का अटैक दोबारा हुआ न्यूयॉर्क के अंदर, जिसने भी क्या किया, हाइड्रो पावर प्लांट जो था उसे हैक कर लिया। इसके अंदर जो है पावर सप्लाई को बंद नहीं किया था, बट वो पूरा उनके कंट्रोल में था, पूरा हाइड्रो पावर प्लांट न्यूयॉर्क। तीसरा इसके अंदर आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है न्यूक्लियर की हेल्प से जो है केमिकल रिएक्शंस के से जो है हमारी एनर्जी जनरेट करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होके सिटी के अंदर या स्टेट के अंदर पहुंचाई जाती है। अब फ्रांस के अंदर क्या हुआ था, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है उसने हार्म कर दिया था, पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है हैक कर लिया गया था, और ये सिर्फ हैक हुआ था एक छोटे से साइबर बॉम्ब की वजह से। अब आज के टाइम पे हम उसे छोटा सा साइबर बॉम्ब बोल सकते हैं बिकॉज हमारे सिक्योरिटी टूल्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, बट उस टाइम पे जो है ये सबसे डेंजरस और सबसे न्यूएस्ट पावरफुल साइबर बॉम्ब था जिसने फ्रांस के न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो है हैक कर लिया था। ये थे हमारे पावर प्लांट को हैक करने वाले एग्जांपल, जिसके अंदर पावर सप्लाई से रिलेटेड जो हैकिंग चल रही थी। बट मॉडर्न एरा के अंदर जो हैकिंग हो रही है वो हो रही है डेटा को लेके, बिकॉज डेटा इज द मनी इन टुडेज टाइम। दो मैं अभी आपको ऐसे अटैक्स बताऊंगा। सबसे पहला इसके अंदर आता है हमारा बांग्लादेश ग्रुप हैक। अब बांग्लादेश ग्रुप हैक के अंदर क्या हुआ था, बांग्लादेश एक कंट्री है एशिया की, जिसके कुछ हैकिंग ग्रुप ने जो है इंडिया की नियरली 20,000 वेबसाइट्स को हैक कर लिया था। 20,000 इंडियन वेबसाइट्स को जो है उन्होंने हैक कर लिया, इंक्लूडिंग इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब आप देख सकते हैं इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या है, हमारी एक वन ऑफ द मेजर सिक्योरिटी फोर्सेस है जो कि बॉर्डर पे जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है इंडियन कंट्री को। और अगर आर्म फोर्सेस की वेबसाइट को उन्होंने हैक कर लिया जो कि नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न बन सकती थी, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा वो मेजर अटैक था। तो इसने क्या किया था, इंक्लूडिंग इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF वेबसाइट, 20,000 वेबसाइट्स को हैक कर लिया था। इसी तरीके से एक और डेटा ब्रीच है, इंडियाज बिगेस्ट डेटा ब्रीच के नाम से जिसे इंडिया में जाना जाता है, और SBI डेबिट कार्ड ब्रीच के नाम से भी जिसे जाना जाता है। तो ये जो हुआ था कि इंडिया का जो एक बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके जो है डेबिट कार्ड होल्डर्स जितने भी हैं उन सभी का जो डेटा है ब्रीच कर लिया था हैकर्स ने। इसे जो है इंडिया का बिगेस्ट डेटा ब्रीच भी कहा जाता है, बिकॉज बैंक के अंदर जो है कस्टमर की अप्रोक्सीमेट सारी वो डिटेल्स होती है जिसका वो जनरली यूज़ करता है, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल फाइनेंस एंड फाइनेंशियल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हैक कर ली गई थी। तो इस तरीके से जो है मैंने अभी आपको यहाँ पे 5 अटैक बताया, जिसमें स्टार्टिंग के थ्री थे हमारे पावर प्लांट से रिलेटेड हैक, इसराइल पावर ग्रिड, न्यूयॉर्क पावर प्लांट और फ्रांस का न्यूक्लियर पावर प्लांट। लास्ट के दो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए, बांग्लादेश ने जो 20,000 वेबसाइट्स को हैक किया था, और इंडिया का बिगेस्ट डेटा ब्रीच जिसे बोला जाता है SBI डेबिट कार्ड, जिसके अंदर डेबिट कार्ड होल्डर्स के अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन को जो है ब्रीच कर लिया गया था। थैंक यू।